भक्त हिंदुओं के लिए चीन से बहुत अच्छी खबर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चीन दिल खोल कर स्वागत कर रहा है, जो भारतीयों का दिल बाग बाग करने के लिए काफी है। दरअसल भोले के भक्तों को अब ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। चीन सरकार अब यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए यात्रा मार्ग पर ऑक्सीजन बूथ लगाने जा रही है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए विश्राम के लिए अत्याधुनिक शिविरों का निर्माण भी किया जा रहा है। ऐसे दो शिविर बनकर तैयार हैं और उन्हें यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। वहीं अन्य दो शिविर अगली यात्रा तक बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल भारत से आने वाले अधिकांश यात्री मैदानी इलाके से होते हैं और कैलाश पर्वत की परिक्रमा का पथ समुद्र तल से 15,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें थकान, सिरदर्द जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी वाली ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के लगभग 50 किलोमीटर की परिक्रमा उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। इस परिक्रमा में लगभग 3 दिन लग जाते हैं। जाहिर है ऑक्सीजन की कमी यात्रियों की मुश्किलों को और बढ़ा देती है। यात्रा के दौरान ऑक्सीजन बूथ की जरूरत को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत से हर साल विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यात्रा में करीब 1,500 यात्री भगवान शंकर के धाम आते हैं, जबकि नेपाल के निजी टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से लहासा या हिल्सा से विकोट के रास्ते भी हजारों यात्री आते हैं। अधिकांश यात्री मैदानी इलाके से होते हैं और समुद्र तल से करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण उनमें से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस मामले में तिब्बत स्वायत्त शासी क्षेत्रों में अली प्रोफायर के विदेश विभाग के महानिदेशक आवांग ने कहा कि यात्रा के मार्ग में कुछ स्थानों पर ऑक्सीजन बूथ लगाने का फैसला हुआ है। करीब 1 दर्जन ऑक्सीजन बूथ खरीदे भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें लगाया नहीं जा सका है। फिलहाल यात्रा के रूट और यात्रियों की जरूरतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। इसके माध्यम से ये तय किया जाएगा कि 50 किलोमीटर के परिक्रमा पथ पर कहां कहां और कितने ऑक्सीजन बूथ की जरूरत है। माना जा रहा है कि अगले साल तीर्थयात्रियों को ऑक्सीजन बूथ की सुविधा मिलने लगेगी। एक बूथ में एक साथ 3 से 5 यात्री ऑक्सीजन ले सकेंगे। फिलहाल कुछ होटल्स में यात्रियों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत परिक्रमा मार्ग पर है, जहां पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन बूथ के अलावा चीन सरकार और तिब्बत प्रशासन अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी में जुटा है। इसके तहत परिक्रमा पथ पर दारचेन, डेरापुक, जुटुरपुक और मानसरोवर के निकट 4 अतिथि गृह बनाए जा रहे हैं, जिनमें आधुनिक शौचालय एवं रसोई घर भी हैं। इनमें डेरापुक और जुटुरपुक में यात्री विश्राम गृहों को खोल दिया गया है, जबकि मानसरोवर का यात्री विश्राम गृह बनकर तैयार है, उसे अगले साल से खोला जाएगा। यात्री विश्राम गृहों में एक समय में 160 यात्री ठहर सकते हैं। हर कमरे में रजाई और बिस्तर सहित 3 बेड हैं। उनके लिए अलग से शौचालय भी बनाए गए हैं। जाहिर है इसके लिए उन्हें बाहर खुले में या गंदे शौचालय में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही विश्राम गृह के भीतर ही एक बड़ा किचन भी बनाया गया है, जिसमें 150 लोगों के लिए खाना बनाने का पर्याप्त इंतजाम है। पिछले कुछ सालों से यात्री सुविधाओं के विस्तार की चीन सरकार की कोशिशों का असर भी दिख रहा है। यात्रा पूरी करने के बाद लिपुलेख दर्रे से लौट रहे यात्री चीन सरकार के इंतजामों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।